हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फ्यूजन इतना रहता है कांग्रेस में कि आज भी हमने देखा। मुझे पूरा उम्मीद थी कि आज प्रियंका गांधी बोलेंगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी आगे आगे रहें और वो पीछे पीछे रहें। वो खुद चाहते हैं, महासचिव उनको बनाया गया। प्रियंका गांधी लगातार बैठकें करती हैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर, लेकिन आज प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? प्रियंका गांधी को बात करनी चाहिए थी। राहुल गांधी बोले भी तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में एक पूरा बयान जो वो दे सकते थे आराम से। यहाँ पर मीडिया का देखिए जगह छोटी थी। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, क्या प्रियंका कुछ बोली है आपको इस बारे में जानकारी? देखिए, अभी मैं बाहर गेट पे हूँ, इसलिए हम अंदर एंट्री नहीं आ रही है, तो प्रियंका क्या बोली है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके निकलने की बहुत ज्यादा बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। आसपास के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं, उनकी बहुत भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। पुलिस प्रशासन किसी तरह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और बाहर का जो नजारा है उसमें यहाँ से काफी पहले निकल गए, किसी भी वक्त आपके कैमरे में होंगे। तो रविकांत लगातार हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, हमको बताएंगे अपने कैमरे की नजर से कि इस वक्त राहुल और प्रियंका कहाँ पहुंचे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो हाथरस का ये गांव है, इस गांव का जो ये घर है, यहाँ आपकी गाड़ी नहीं आएगी। आप चाहे कितने भी बड़े नेता हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, यहाँ अगर आपको आना है तो आपको गाड़ी करीब 1.25 किलोमीटर बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। बहुत कच्चा रास्ता है, उसके बाद वहां से होते हुए यहाँ आना होगा। यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला निकल गया है। रविकांत वहां बाहर मौजूद है जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। रविकांत, आपके कैमरे पर किसी भी वक्त कैमरे में आपके प्रियंका और राहुल गांधी कैद होंगे। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जितना मैं समझी, प्रियंका गांधी पीछे थी, राहुल गांधी आगे थे, और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बहन ने भाई का हाथ कस के पकड़ लिया था बहन ने भाई का हाथ। रविकांत, कुछ तस्वीर आप दिखा पाए तो? देखिए, अभी काफिला कुछ ही मिनटों में आने वाला है। इस समय उनकी गाड़ी का एक आगे की गाड़ी जो स्कॉर्ट की है वो हमें दिखाई दे रही है, और उसके पीछे कुछ और गाड़ियां आ रही हैं। वो अनुदान का जो दया है, हाँ, बोले का आपके लिए आश्वासन बोलो क्या जी, आश्वासन क्या देकर गए वो आप लोगों को? आपकी जो पत्नी है उनको, दोनों भाइयों को क्या आश्वासन देकर गए हैं? यही आश्वासन देगा आपको न्याय मिलेगा। मैं बता देता हूँ, हाँ हाँ, आप इन्हें से पूछ रहे, बात ना है ज्यादा। यहाँ पर देखिए, जी जी जी, ये यहाँ पर तमाम परिवार प्रियंका जी और राहुल जी ने इनके परिवार को सुरक्षा देने की बात कही, हमने इनसे सुरक्षा की मांग की थी। सर, मुझे मैडम से बात करनी थी। मैडम, प्रियंका मैम, राहुल जी, एक सवाल करना है मैडम। राहुल जी, एक सवाल करना है। क्या पीड़ा है परिवार की, सबको बताइए। मैम, एक राहुल जी, सर मुझे बुला रही है मैडम, बुला रही है। नहीं, राहुल जी, क्या पॉलिटिकल मालिश के लिए यहाँ पर है? फिर यही से बुला रही है मैडम। पीड़ा भी आप नहीं बता पा रहे तो बुला रही है मैम। प्रियंका जी, प्रियंका, अरे आ जाओ प्रियंका जी, आपसे अम्मा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या बात करके गए थे? यही बोल लेंगे बेटा, वही सब बोल लेंगे, जो आप सुन रहे हैं वही बोली है। अच्छा, और कोई दूसरी बात? आपसे हालचाल पूछा था उन्होंने, हालचाल क्या? माइक, कॉमन माइक।
पीड़ित परिवार को धमकाया भी गया क्या? पीड़ित परिवार को मैम और क्या क्या और क्या क्या बताया परिवार ने? कर सकती है प्रियंका जी, सवाल का जवाब दे दीजिए प्रियंका जी, एक मिनट रुक के आप बात तो कर सकती है प्रियंका जी, एक मिनट रुक के आप बता तो सकती है प्रियंका जी, एक मिनट देखिए मैम, एक सेकंड, एक सेकंड भैया, एक मिनट भैया रुक, भैया हट जाइए पीछे, हटूंगा ना भाई, ठीक है बोल रही हूँ अभी मैडम, बोल रही आप आगे जाके कैमरा ही नहीं आपको देख पा रहा है तो कैसे हो मैम? प्रियंका जी ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, काम हो जाएगा। नमस्कार।